बीजेपी आई तो लोगों का विश्वास जगा कि रामलला विराजमान होंगे जी। उसके पहले विश्वास नहीं था क्योंकि कांग्रेस 60 साल राज की और रामलला का दर्शन भी नहीं करने देते थे वो लोग जी। लेकिन जब बीजेपी आई तब से विश्वास जगा, विश्वास पे खड़े उतरे जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी, उस पर भी काम किया और मंदिर का निर्माण हो ही रहा है, विराजमान हो जाएंगे, लोग दर्शन करेंगे। हम लोग इसी उम्मीद से आए हैं कि दर्शन हो जाएगा। उसको जो पहले करना था तो पहले 50 साल 60 साल जो उसने किया तो क्या किया, तब नहीं दिखा उन लोग को। बीजेपी क्रेडिट लेना चाहती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो संस्था नहीं है, वो मानव किस तरह चल रहे है, जो मानव है उसकी तरह चल रहे है। 24 में रिपीट होंगे फिर से? 24 क्या, 24 में भी होगा और 25-30 में भी होगा। प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अयोध्या में तैयारी जोरों शोरों से चल रही है 22 जनवरी को लेकर के, और ना ही केवल अयोध्या में बल्कि पूरी दुनिया में तैयारी चल रही है। जहां भी राम भक्त हैं वहां पर दीपावली की तैयारी है, और इसी बीच अगर बात की जाए तो यहां पर लगातार राजनीति भी जो है वो तेज हो गई है। आइए बात करते हैं यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए। जी क्या नाम है आप? सुबेदार तिवारी, गोंडा से। गोंडा से आप? गोंडा से बहुत लोग आते हैं अयोध्या, रोज मुझे गोंडा से सैकड़ों लोग मिलते हैं। ये बताइए, अभी जो 22 जनवरी को रामलला जी विराजमान होने वाले हैं, अयोध्या में तो असर देखने को मिल ही रहा है, पूरा विकास चारों तरफ, गोंडा साथ में है, गोंडा में क्या असर देखने को मिल रहा है? बहुत ज़्यादा असर दिख रहा है। बीजेपी आई तो लोगों का विश्वास जगा कि रामलला विराजमान होंगे जी। उसके पहले विश्वास नहीं था क्योंकि कांग्रेस 60 साल राज की और रामलला का दर्शन भी नहीं करने देते थे वो लोग जी। लेकिन जब बीजेपी आई तब से विश्वास जगा, विश्वास पे खड़े उतरे जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी, उस पर भी काम किया और मंदिर का निर्माण हो ही रहा है, विराजमान हो जाएंगे, लोग दर्शन करेंगे। हम लोग इसी उम्मीद से आए हैं कि दर्शन हो जाएगा। और अयोध्या तो बदली बदली दिख रही है, यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ खड़े होने की इच्छा नहीं करती थी, जब कांग्रेस शासन था, सपा शासन था, तो यहाँ इतनी गंदगी रहती थी। आप लोग जो पहले आए होंगे वो देखे होंगे। अभी लोग कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं, हम भी आना चाहते हैं, यही कह रहे थे अयोध्या थी ही नहीं तो कैसे, आज कह रहे हैं अयोध्या ही, हम भी आएंगे, राम भाजपा के ही नहीं हमारे भी हैं। लेकिन राहुल गांधी कुछ और कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ये बीजेपी मोदी के इवेंट जो है पूरा इर्द गिर्द घूम रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो चोर है, वो चुराना चाहता है, अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं भी हिंदू हूँ, आज दिखाना चाहता है। जबकि जैसे चचा लोग कहते हैं कि हम रूठ जाएंगे, वैसे वो बात को बदल देता है, कभी ये कहता है कभी वो कहता है। और भी देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, पूरे देश भर से लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद भाई। कहाँ के रहने वाले? गुजरात सूरत से। सूरत के रहने वाले हैं आप, वाह क्या बात है। सभी सूरत से आए? सूरत से आए, डायमंड सिटी, टेक्सटाइल सिटी, क्या क्या कहा जाए सूरत को, सिटी भी है। हाँ मैं गया था पिछले साल चुनाव में। पहली बार आए हैं अयोध्या? हाँ हम बार बार आते हैं, मगर वो खूब मिले रहते हैं ना, जब प्रयागराज में तब हम आते हैं सेवा में। कैसा लग रहा है अभी अयोध्या? अभी तो ऐसा लगता है कुछ दिख ही नहीं, ऐसा पलट हो गया। अच्छा, अभी कभी मैंने देखा नहीं, इतना साल आया है, गाँव जैसा दिखता था, अभी जो दिख रहा है ना पूरा अयोध्या राम आ गए, बस वही लग रहा है, वही लग रहा है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी के इर्द गिर्द घूम रहा है पूरा इवेंट, ये आरएसएस के इर्द गिर्द घूम रहा है पूरा इवेंट, इसलिए कांग्रेस के नेता नहीं आ रहे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन लोग का ऐसा कुछ नहीं है, जो है वही है, वो तो झूठे आदमी है। उसको जो पहले करना था तो पहले 50 साल 60 साल जो उसने किया तो क्या किया, तब नहीं दिखा उन लोग को। बीजेपी क्रेडिट लेना चाहती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो संस्था नहीं है, वो मानव किस तरह चल रहे है, जो मानव है उसकी तरह चल रहे है। 24 में रिपीट होंगे फिर से? 24 क्या, 24 में भी होगा और 25-30 में भी होगा। गुजरात के हैं इसीलिए ज्यादा जुड़ाव है या कुछ और? नहीं नहीं, ऐसा जुड़ाव नहीं है, मगर है हिंदू। हाँ। बस जी, आपका क्या नाम है सर? मैं किशोर जानी हूँ, सूरत से हूँ। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। अच्छा। इतनी पोत देखी अयोध्या में, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मेरे मन में बस गया है कि मैं अयोध्या जाऊंगा, लेकिन कैसे जाऊंगा। तो हमारे सूरत पश्चिम विधानसभा के विधायक है आदरणीय पूर्णेश भाई मोदी जी,
उन्नेश मोदी जी, अरे वही हैं, ये तो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। वो सदस्यता चली गई, अभी वो खत्म नहीं हुई बात, वो स्टे लगा है उस पर, अभी बरी नहीं हुआ। हाँ, अभी स्टे लगा है, वो बरी नहीं हुए। मुझे लगता है कि अगले उसकी जो वाणी विलास है, कहीं ना कहीं जाके विदेश में जाके भी अपने भारत को बदनाम करता है, वो आदमी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आप हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान के इतने ऊंचे आसन पे बैठे हो, तो आपकी जो होता है उसकी गरिमा तो संभालो। तो कहीं भी जाके ये गलत है, वो गलत है, राम गलत है ऐसा बोल दिया, तब से मुझे बहुत दिल में दुख हुआ। काल्पनिक बताया था कि राम जी तो हुए नहीं, काल्पनिक हैं, राम सेतु तो कभी हुआ ही नहीं। तो हमारे जो राम भद्राचार्य जी तुलसी पिताजी के, अभी 14 तारीख को उसका जन्मदिन मनाया, वहाँ से हम यज्ञ में बैठे हैं, हम रोज यज्ञ करते हैं और 22 तारीख तक हमारा हनुमान जी महायाग यज्ञ चलेगा। उसमें हमारी एक ही प्रार्थना होगी कि भारत को समृद्ध बनाओ, मोदी जी को खूब ताकत दो, विश्व गुरु भारत को बनाए, राम जी इतनी ताकत दे, यही हमारी मनोकामना है। अच्छा, जब राहुल गांधी की सदस्यता गई तो कांग्रेस ने सारा ठिकरा फोड़ा बीजेपी पर, जबकि ये पूर्णेश मोदी ने ही वो कंप्लेन जो है फाइल की थी, लेकिन जैसे ही उस पर स्टे लगा सुप्रीम कोर्ट से, तो उन्होंने इसको जीत बताया, तमाम चीजें कही कि हमारी जीत हो गई, देखिए कोर्ट में जाकर, लेकिन जब वही कोर्ट सजा सुनाता है तो बीजेपी का हो जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भारत में कोई हो ही नहीं सकता, वो हम जानते हैं। हम संविधान को अपना आदर्श मानते हैं, संविधान का पालन करते हैं। पुरखों से बात चली आई है हमारी, क्या हम आध्यात्मिक राष्ट्र के आध्यात्मिक नागरिक हैं। राहुल गांधी का कल्चर इतिहास देखो आप, वो हिंदुस्तानी कभी हो ही नहीं सकते। अगर 24 का क्या लग रहा है, एक और यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी 24 को, वो यात्रा का नाम क्या है, न्याय यात्रा। भाई आपको कौन सा न्याय चाहिए पहले ये तो हमको बताओ, पब्लिक को बताओ कि आप न्याय कौन सी बात कहें। भाई मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं पढ़ा लिखा हूँ क्या, मैं पागल हूँ, मुझे हॉस्पिटल में, न्याय क्या चाहिए आपको? पहले जनता को दिखाओ कि हम कौन से न्याय की भीख मांगने भारत में भ्रमण करने वाले हैं, फिर हम सोचेंगे कि आपको न्याय देना है कि नहीं देना है, क्या है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आपका क्या नाम है? अशोक पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ से। लखनऊ के रहने वाले हैं जी। बताइए क्या तैयारी है 22 जनवरी? 22 जनवरी की हमारी तैयारी ये है कि पूरे भारत में सभी को दीपक जलाना है अपने अपने घरों में, और पूरे एकदम गांव में जितने भी मंदिर हैं वहां भी बढ़िया दीपोत्सव करना है, और पूरे भव्य तरीके से राम मंदिर बन रहा है तो उसी तरीके से पूरे देश में दिखना भी चाहिए कि हाँ राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो पूरे भव्य तरीके से एकदम लगे कि हिंदुत्व एकदम एक बार पुनः अपनी उस अवस्था में आ रहा है जिस अवस्था में राम श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है। अच्छा, लेकिन इसको तो इवेंट बताया जा रहा है, बीजेपी का इवेंट, आरएसएस का इवेंट। देखो, मंदिर को राजनीति से जोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो ये हमारे सनातन धर्म की शान है, इसको हमें राजनीतिक विषय नहीं बनाना है, मतलब इसको हमें राजनीतिक विषय बनाना ही नहीं है। अच्छा, योगी जी के बारे में क्या कहना है आपका? योगी जी कैसी सरकार चला? योगी जी बहुत अच्छे हैं और वो एक समान सभी को देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। उनसे मुस्लिम भी प्रसन्न है तो उनसे हर हिंदू भी मतलब प्रसन्न है, कोई उसमें कोई विरोध उनका नहीं है।